हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक जा क्लासेस। अब हम लोग देखने वाले हैं लेडी ब्रेबोर्न कॉलेज का फुल फॉर्म फिलअप। इसी वीडियो में, इसी करंट वीडियो में हम लोग लेडी ब्रेबोर्न कॉलेज का पूरा फॉर्म फिलअप देखेंगे। लेकिन पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, बिकॉज अगर आपने पूरा फुल वीडियो नहीं देखा तो आपका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट, है ना। तो इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा साथ साथ। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले लेडी ब्रेबोर्न कॉलेज यहाँ पे गूगल में सर्च कीजिएगा। आप सर्च करने पर यहाँ पे फर्स्ट जो आपका एडमिशन 2023-2024 पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही एक यहाँ पे लिंक मतलब यहाँ पे दिखेगा आपको, उस लिंक पे आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ पे पुणे वाला ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन पे आप लोग को क्लिक करना है, सिंपल। और इसके बाद देखिए कैसा अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। अप्लाई नाउ पर आप लोगों को क्लिक करना है मेनली। यहां पे सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा। सारे के सारे बात दिए हुआ है कि करेक्टली इंफॉर्मेशन देना है, ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है, कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करना है। तो यहां पे आप लोग ये जो छोटा वाला बॉक्स है, इस छोटा वाला बॉक्स में क्लिक कीजिएगा, कंटिन्यू करके आगे बढ़िएगा। यहां पे स्टेप्स दिया हुआ है, स्टेप्स स्टेप वन में दिया हुआ है फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेप टू में दिया हुआ है सेलेक्ट कोर्स एंड सब्जेक्ट, स्टेप थ्री में दिया हुआ है अपलोड इमेजेस, स्टेप फोर चेक एंड कंफर्म प्रिंट एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आप लोग न्यू एप्लीकेंट है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप लोग क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आप लोगों को अपना नाम टाइप करना है। लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दे रहा हूँ, अभिषेक मैं टाइप कर दे रहा हूँ, अभिषेक झा। हालांकि ये गर्ल्स कॉलेज है मुझको पता है, लेकिन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये फोन नंबर टाइप कर देना है, ईमेल आईडी टाइप कर देना है। यहाँ पे कौन से बोर्ड से तुम एफिलिएटेड आज तक पढ़े हो, सीबीएसई से आ रहे हो या आईसीएसई से पढ़े हो या वेस्ट बंगाल से पढ़े हो, तो सिंपल ये लिख देना है। ओके, उसके बाद पासिंग ईयर देना है, पासिंग ईयर 2020 दे सकते हो, ये मतलब ये 2021 मतलब ये तो ये सब सारे यहाँ पे पासिंग ईयर आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2023 दे दिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रहेगा वो आप लोग प्रोवाइड कीजिएगा। मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ नंबर लिख दे रहा हूँ एग्जांपल के लिए। यहाँ पे रोल नंबर दे दीजिएगा आप लोग। आप लोग तो फॉर्म फिलअप का वीडियो, ये वीडियो पे आ गए हो तो पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप देख के जाओ, वरना गलत हो जाएगा, कहीं से भी भर लोगे ऐसा तो नहीं चलेगा ना। उसके बाद आपका फोन में एक ओटीपी आएगा, थोड़ा सा लेट लगता है, हाँ आ गया, एक्चुअली आ गया, इस बार लेट नहीं हुआ। चलिए, ओटीपी को लिखना है, जस्ट ओटीपी को लिख के सबमिट एंड लॉगिन कर देना है, सिंपल। उसके बाद यहां पे आप लोग का पूरा पूरी डिटेल्स मांगा जाएगा। सबसे पहले जेंडर आप लोगों को यहां पे जो भी देना है, तो ऑफकोर्स मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, गर्ल्स कॉलेज है तो फीमेल ही आएगा, सिंपल बात है। उसके बाद कैटेगरी आप लोगों को मतलब यहाँ पे दिखना है, जनरल कैटेगरी। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखना है, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे वेस्ट बंगाल का है या अदर स्टेट्स का है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आप आते हैं या नहीं आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो प्लीज मत लिखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसके बाद मतलब ये पीडब्ल्यू में डायरेक्टली यहाँ पे नो कर देना है, ये परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी ये सब सारा आप लोग के लिए अप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद देखिए मतलब ये डेट ऑफ बर्थ ये करेक्टली मतलब दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ करेक्टली दीजिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेटली रहे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ लॉगिन करने में हेल्प करता है। फ्यूचर में अगर आप लोगों को लॉगिन करना पड़े वापस से तो आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख के स्पोर्ट्स लेवल आप लोग देंगे, स्पोर्ट्स कोई भी स्टेप स्पोर्ट्स लेवल में हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, स्टेट लेवल में हो, इंटर लेवल में हो, तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दीजिए। यहाँ पे टेंथ में आप लोगों को कितना परसेंट मिला था, लाइक मैं यहाँ पे 70 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे गार्जियन का नाम दे देना है, गार्जियन का नाम, जैसे आप लोगों का फैमिली में आप लोगों का अगर फादर गार्जियन है तो फादर का नाम यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। गार्जियन का फोन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए कुछ भी, मैं तो अपना ही फोन नंबर जस्ट रैंडमली। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद आप लोगों को स्ट्रीम चूज करना है। स्ट्रीम मान लीजिए मेरा आर्ट्स था, ओके और यहाँ पे स्कूल नेम चूज करना है। स्कूल नेम जैसे मैं कुछ भी दे दे रहा हूं, लेकिन आप लोग अपना फुल स्कूल नेम दीजिएगा ताकि वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत ना आए, कोई भी दिक्कत आएगा ये लोग रिजेक्ट कर देगा। यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड यहाँ पे
सिंपली नो कर देना है, यूनिवर्सली रिजिट, मतलब यहाँ पे सिंपली नो कर देना ये सब सारा चीज को। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे जो जो चीज है वो चीज आप लोगों को पूरा प्रॉपरली भरना है। इंग्लिश सबसे पहला, इंग्लिश सब्जेक्ट आप लोगों को देना ही पड़ेगा, कंपलसरी कर दिया इंग्लिश सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए थियोरी में कितना मार्क्स था, 80 मार्क्स था इंग्लिश सब्जेक्ट का, यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 20 मार्क्स एड हो जाएगा। अच्छा, ऑप्टेन कितना किए हैं, मार्क्स कितना लाए हैं आप लोग 80 में से, 80 में से मान लीजिए आप लोग 70 लाए हैं इधर, तो 70 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे प्रोजेक्ट में आप लोगों को कितना मिला, 15 मिला है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बंगाली चूज कर लिया। अच्छा, मान लीजिए कि थियोरी में आप लोगों को 80 मिला है, मतलब कि थियोरी में आप लोगों का मार्क्स 80 है और प्रैक्टिकल में आप लोगों का मार्क्स 20 है, तो थियोरी में आप लोगों को मिला है इसमें आप लोगों को 76। ऐसे करके आप लोगों को बिठाना है सब कुछ, जैसे जैसे आप लोगों को मार्क्स मिला है वैसे वैसे आप लोगों को बिठाना है, ओके। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी ले लेते हैं, 80 मार्क्स का ये भी रहता है, ऑटोमेटिकली 20 आ जाएगा, इसमें मान लीजिए 70 आ गया आप लोगों का और यहाँ पे 11। तो इस तरह से हम लोग 6 सब्जेक्ट बिठाएंगे, जो ऑफकोर्स जो 6 सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पे बिठा देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी एक मैथ ले लेते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स, मुझे पता है थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल बिजनेस मैथमेटिक्स कैसे आ गया आर्ट्स में, तो लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 70 मिला है, यहाँ पे भी 11 मिला है, जस्ट रैंडमली बिठा देना है एक एक सब्जेक्ट करके सबको, ओके, 80 और यहाँ पे 20, यहाँ पे 70, यहाँ पे आपको मिला है 13। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अरबिक, अरबिक आप लोग पढ़ रहे हैं तो अरबिक यहाँ पे 20, यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों को मिला है 65 और यहाँ पे 19। इस तरह से सारा कुछ आप लोगों को बिठाना है। एक पासवर्ड रख देना है, इसके बाद आप लोगों को एक पासवर्ड रख देना है, लाइक जो पासवर्ड से आप लोग लॉगिन कर सको, जो पासवर्ड से आप लोग लॉगिन कर सको, फ्यूचर में याद रखना पड़ेगा ये सब सारा पासवर्ड। इसके बाद इस पर टिक कर देना है, आई डू हेयर बाय डिक्लेयर और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोडेशन का बात आता है, तो डॉक्यूमेंट अपलोडेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जहां पे आपको जेपीजी फाइल या तो जेपीईजी फाइल में देना पड़ेगा। तो आप लोग एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का नाम है इमेज रिसाइजर, उसको आप लोग डाउनलोड कर दीजिए, इमेज रिसाइजर, इमेज साइज बोल के भी एक एप्लीकेशन है, जहां से आप लोग अपना कम कर सकते हैं, ओके। देखिए, हम तो ऐसे ही हाइपोथेटिकली कुछ भी ले रहे हैं अभी, एग्जाम्पल लाइक इसको इस मतलब चूज फाइल करके इसको अपलोड कर देना है, फंक्शन इसको अपलोड कर देना है इधर ही, फिर वापस से वही काम करना है, चूज फाइल करके अपलोड कर देना है, नेक्स्ट, फिर वापस से। यहां पे देखिए 150 केबी के अंदर में एज प्रूफ चाहिए आपका, यहाँ पे कैंडिडेट फोटो मांगता है, कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे एज प्रूफ मांगता है 150 केबी के अंदर अंदर, ओके। तो ये आप लोगों को अच्छे से करना है ताकि कुछ गलतियां ना हो बाद में। और इसके बाद 12th का मार्कशीट मांगता है, 12th का मार्कशीट भी 150 केबी के अंदर अंदर मांगता है, चूज फाइल करके अपलोड कर देना, अपलोड का बटन दबा देना और यहां पे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट के बटन पर यहाँ पे आप लोगों को चूज कर लेना है, सिंपल। यहाँ पे आपके पास कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पे अप्लाई होते हैं, यहाँ पे बीए ऑनर्स हो सकते हैं, यहाँ पे बीएससी ऑनर्स हो सकते हैं, तो हम लोग बीए ऑनर्स यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमें हिंदी में ऑनर्स करना है और मेजर सब्जेक्ट हम लोग रखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री, लाइक आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ पे बंगाली रखेंगे, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और ये कंपल्सरी लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे बंगाली रख देंगे, ओके। तो आप लोगों को क्या करना है नेक्स्ट, आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म का बटन में आप लोग दबा देंगे, कंफर्म का बटन में आप लोग दबा देंगे। यू मे सेलेक्ट योर सब्जेक्ट बाय सेलेक्टिंग कोर्सेज फ्रॉम अबव क्लिकिंग ऑन एड माय एप्लीकेशंस। अच्छा, एड माय एप्लीकेशन सबसे पहले
क्लिक करना है उसके बाद, ठीक है। तो एड माई एप्लीकेशन आप लोग क्लिक कर देंगे, उसके बाद कंफर्म कर देंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है। हाँ तो दोस्तों, उस तरह से आप लोग एड माई एप्लीकेशन से करके, एड माई एप्लीकेशन से करके यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को कोर्स दिखेगा। कोर्स दिखने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म के बटन पे आप लोग दबा सकते हैं। कंफर्म के बटन पे दबाएंगे तो इस तरह से आप लोगों का एक रिसिप्ट निकलेगा, उसको आप लोग प्रिंट करा के रख लीजिएगा। फर्दर डाउनलोड पीडीएफ और एप्लीकेशन, जब मेरिट लिस्ट निकलेगा ना, जब मेरिट लिस्ट निकलेगा तब आप लोगों को ये सब सारा चीज ये प्रिंट मांगा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो डाउनलोड पीडीएफ कर लीजिएगा और फिर आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं। आपका फॉर्म फिलअप का प्रोसीड्योर तब खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।